विंटर्स आ गए हैं, स्किन केयर भी बहुत ज़रूरी है, तो बस आज मैंने बना लिया अपने लिए विटामिन सी टोनर, साथ में बना ली सीरम, उसके साथ मॉर्निंग में कर लिया 30 मिनट्स का वर्कआउट, कुछ आसन किए अपने थायराइड के लिए एंड फुल बॉडी वर्कआउट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, आज है डे 7, 66 डेज हैबिट फॉर्मेशन चैलेंज का। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज का अपना वर्कआउट लिए, मैं स्टार्ट करती हूँ आज का वर्कआउट। उसके बाद मैं आज करने वाली हूँ कुछ फेस केयर, और साथ में जैसे कि ठंड आ रही है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपना फेस केयर करूँ। 66 डेज में आज मेरा ये सेकेंड डे है जिसमें मैं अपना सेल्फ केयर करने वाली हूँ, फेस केयर करने वाली हूँ, और जैसे कि फेस्टिवल सामने आ रहे हैं तो फेस केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कल मैंने लगा लिया था फेस पैक, और आज मैं लगाने वाली हूँ अपने लिए फेस सीरम बनाने वाली हूँ। तो उसका रिज़ल्ट मुझे 15 to 1 month के बाद दिखेगा, बट आज उसको सीरम को बना के मैं रेगुलर अप्लाई करने वाली हूँ और देखती हूँ कि मेरी स्किन कैसे लगने वाली है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट सेशन। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं आज का वर्कआउट। वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले मैंने कर लिया वार्म अप 10 मिनट्स करने के बाद मैंने कर लिया एक्सरसाइज फुल बॉडी वर्कआउट, और उसके साथ कर लिया आज योगा आसन थायराइड के लिए। तो बस यहाँ पे मैं हर सेट 20 to 25 मिनट्स का कर रही हूँ, और उसके बाद मैं करूँगी अपना कुछ स्किन केयर, क्योंकि स्किन का भी केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विंटर्स आ गए हैं तो स्किन का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज है डे 7, 66 डे चैलेंज का, और होप ये चैलेंज मैं अच्छे से कर पाऊँ, और मैं कम से कम वीक में 5 दिन वर्कआउट कर पाऊँ और 5 दिन वॉक कर पाऊँ। बस इसी के साथ मैं अपना रेगुलर मॉर्निंग स्टार्ट होती है, और पहले सबसे पहले माइंडसेट यही करती हूँ कि मुझे आज एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज करने के लिए मुझे डेली अपना माइंडसेट करना पड़ता है। क्योंकि आप जब तक किसी काम को 21 डेज तक कंप्लीट नहीं करते तब तक आपके वो रूटीन में नहीं आता। तो एक्सरसाइज में मेरा पहले गैप हो ही जाता था, मैं 2 दिन करती थी फिर गैप आ जाता था, 3 दिन करती थी गैप आ जाता था, और कभी कभी मैं इवनिंग में 10 to 15 मिनट्स का वर्कआउट करती हूँ। बस यही होता है कि आज नहीं कल, आज नहीं कल। बट ये चैलेंज के बाद मैंने यही सोचा है कि मैं इस चैलेंज को करते करते वर्कआउट भी अपना डेली करूँ। तो चलिए आप वीडियो में बने रहिए, और आप भी ज्वाइन करिए मेरे वर्कआउट सेशन में। एक ये भी चीज़ है कि अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट कर लेते हैं तो आप दिन भर बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश फील करते हैं, और आपके काम करने की जो पावर है वो थोड़ी बढ़ जाती है, और आप बहुत अच्छे से काम को कर सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है और उसके साथ बॉडी रिलैक्स हो जाती है कि मुझे और एक्टिव होके अपने काम को फिनिश करना है। माइंड में एक बात तो आता है कि चलो आज का वर्कआउट स्किप किया जाए, बट मेरी कोशिश यही है कि मैं स्किप ना करूं और अपने माइंड को सेट करूं कि नहीं, मुझे वर्कआउट तो आज करना ही है।
some kind of butterfly. Baby, you give me a bit later. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. जैसे कि विंटर आ गया है और विंटर में फेस केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आज मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए स्पेशल सीरम जो मुझे मॉर्निंग और इवनिंग में लगाना है। और ये बहुत ही सिंपल सीरम है, मैं अपने स्किन के अकॉर्डिंग लगा रही हूँ। मेरी स्किन ड्राई एंड ऑयली मिक्स है, नॉर्मल स्किन है मेरी, तो उसके लिए विंटर में सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं बनाती हूँ अपने लिए होममेड सीरम। बाहर के सीरम तो हम बहुत बार यूज़ करते हैं और अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, बट इस ठंडे में, इस विंटर में मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं इस सीरम को अप्लाई करूं। तो चलिए, सिरम मेरी रेडी हो गई है। अब सिर्फ 3 to 4 ड्रॉप्स मुझे इससे लेना है और अपने फेस में से अप्लाई करना है। बहुत ही लाइटली मुझे इसे अप्लाई करना है। थ्री टू फोर ड्रॉप से ज़्यादा हम नहीं लगाएंगे। 3 to 4 ड्रॉप से देखिए, बाकी के सीरम को मैं रख दूँगी रेफ्रिजरेटर में, जब मुझे चाहिए रहेगा मॉर्निंग या इवनिंग में इसको मैं निकाल के यूज़ कर लूँगी। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है।
ये बन गया मेरा विटामिन सी टोनर, और आज मैंने बना दिया है सीरम। तो अब मैं इसे 15 डेज टू 1 मंथ रेगुलर अप्लाई करने वाली हूँ और देखूँगी इसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो अभी तो मैंने अप्लाई कर दिया है सीरम को, तो मेरा फेस हल्का हल्का स्टिकी रहेगा। मतलब मैंने अगर कोकोनट ऑयल अप्लाई किया है तो देखिए आप देख रहे होंगे मेरा फेस। और लेट्स देखते हैं कि इसके बाद मेरा फेस कैसे लगने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।